जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल चैप्टर हमारा चल रहा था, ये उसका थर्ड वीडियो है। बच्चों आप जानते हैं एल्कोहल जो है वो दो तरह प्रॉपर्टी शो करता है, एक होती है फिजिकल और दूसरी होती है केमिकल। बच्चों केमिकल पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन आजकल फिजिकल पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों पहली फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी फिजिकल स्टेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवस्था। बच्चों कैसा दिखेगा हमारा एल्कोहल उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एट रूम टेम्परेचर अप टू C11 एल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड्स विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। हायर एल्कोहल्स आर कलरलेस, ओडरलेस, वैक्सी लिक्विड्स, वाइल हाईली ब्रांच्ड आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। आपको ध्यान रखना है कि आपके अल्कोहल में कितने कार्बन हैं। अगर आपके अल्कोहल में 11 या 12 कार्बन तक हैं तो वो बच्चों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा। इन अल्कोहल में एक खास स्मेल होती है और अगर आप इसे जीभ पे लगाएंगे तो वहां पर जलन का एहसास होगा। लेकिन जो हायर अल्कोहल्स होते हैं यानी कि जिनमें 12 या 12 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, ऐसे अल्कोहल जो हैं वो कलरलेस, बिना स्मेल वाले और काफ़ी गाढ़े लिक्विड होते हैं। वैक्सी का मतलब होता है बच्चों काफ़ी थिक लिक्विड होते हैं, गाढ़े लिक्विड होते हैं। और अगर ज़्यादा कार्बन वाले एल्कोहल में ब्रांचिंग है, साइड में कार्बन लगे हैं साइड चेन में, तो वो सॉलिड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है सोलेबिलिटी, इसको हिंदी में विलेयता बोलते हैं। लोअर एल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर। ऐसे एल्कोहल जिनमें कार्बन का नंबर कम होता है बच्चों वो लोअर एल्कोहल कहलाते हैं और पानी में ईजिली और ज़्यादा घुल जाते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड सोलेबिलिटी डिक्रीजेज। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपके एल्कोहल में कार्बन का नंबर बढ़ता चला जाएगा उसकी सोलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का जब नंबर बढ़ेगा तो कार्बन का नंबर बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वाटर हीटिंग होता है, पानी के साथ में कोई इंट्रैक्शन कोई अट्रैक्शन नहीं दिखाता है। एल्कोहल्स आर सोलेबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बच्चों एल्कोहल या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के अंदर तभी सोलेबल होगा जब वो पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एच बॉन्डिंग करेगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रोंगर इजीली हो एच बॉन्डिंग होगी उतना ही वो ज़्यादा सोलेबल होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने तीन एल्कोहल लिए हैं। पहला है हमारा CH3OH, दूसरा है हमारा CH3CH2OH और तीसरा है हमारा CH3CHOHCH3। इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ये हमारा एथेनॉल है और ये हमारा मिथेनॉल है। आप देखिए पहले एग्जांपल में कार्बन का नंबर एक है, दूसरे कार्बन में इथेनॉल में दो कार्बन हो गए हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में तीन कार्बन हो गए हैं। तो अगर मैं बोलूं किसके अंदर कार्बन का नंबर ज़्यादा है या कौन सा हायर अल्कोहल है, तो इन तीनों में तीसरे वाला हायर अल्कोहल है क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर ज़्यादा है, पहले वाला लोअर अल्कोहल है क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर सबसे कम है। वो तो ध्यान रखना है किसी भी अल्कोहल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट और दूसरा होता है लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है वो हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कहलाता है, लेकिन जो कार्बन वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है। और जितना कार्बन का नंबर ज़्यादा होगा उतना ही हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा। ये वाटर हीटिंग होता है, एच बॉन्डिंग को वीकर करता है, मतलब ज़्यादा कार्बन बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट और लेस एच बॉन्डिंग तो आपका कंपाउंड कम घुलेगा। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों एल्कोहल में कौन सा एल्कोहल ज़्यादा सोलेबल होगा, तो तीसरा एल्कोहल कम सोलेबल होगा क्योंकि उसमें कार्बन का नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा और लायोफिलिक पार्ट OH जो है वो पुअर एच बॉन्डिंग करेगा। लेकिन पहले एल्कोहल में कार्बन का नंबर कम है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा तो एच बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होगा। अब जो ये बात आपको आपके साथ डिस्कस की है इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने वाटर और एल्कोहल में एच बॉन्डिंग को शो किया हुआ है। आप देखिए ब्राउन कलर से हमने वाटर मॉलिक्यूल को शो किया हुआ है और ब्लू कलर से हमने एल्कोहल या मिथेनॉल यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ उसको शो किया हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपके पास एल्कोहल हो या वाटर हो, उसके अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो हमेशा पोलर होता है। इस पोलर बॉन्ड में O पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव, H पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ऐसे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल OH ग्रुप वाले पास पास आएंगे तो उनके बीच में वीकर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यहाँ पे हमने ब्रोकन लाइन से दिखाया हुआ है। तो ये इस तरह हमारे एल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल आपस में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं।
की सोलेबिलिटी में ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल में जितना छोटा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा यानी कि कार्बन का नंबर कम होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंगर एच बॉन्डिंग होगी, लेकिन जितना बड़ा हमारा कार्बन पार्ट होगा यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा, लार्जर एल्कोहल होगा तो वाटर के अंदर वो कम सोलेबल होगा। बात करते हैं बच्चों आइसोमेरिक एल्कोहल की, इससे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में बनता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा ट्विस्टी क्वेश्चन आता है जिसमें आप उलझ जाएं। इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बच्चों ये इंक्रीज है ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द सोलेबिलिटी। तो इसको क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। बच्चों यहाँ पे मैंने मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O लिया हुआ है। आइसोमेरिक एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जिनके स्ट्रक्चर तो अलग अलग होंगे लेकिन उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सबका एक होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे हमने चार स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो एल्कोहल के हैं, हर एक एल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O होगा, या आप कह सकते हैं कि चारों एल्कोहल जो हैं वो आइसोमेरिक हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब आपको देखना है कि किस एल्कोहल के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा है, किसके अंदर सबसे कम है। तो पहला एल्कोहल जो आप देख रहे हैं इसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन एल्कोहल है, लेकिन दूसरे वाले एल्कोहल में आप देख पा रहे हैं पूरा एक ब्रांच है। सब ब्रांचिंग जो देखी जाती है उस कार्बन से देखी जाती है जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा होता है। आप देख पा रहे हैं कि इस कार्बन पे जिस पे OH ग्रुप लगा हुआ है उस पे केवल एक ब्रांच कंसिडर होगी। इस वाले एल्कोहल में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में एक ब्रांच यहाँ पे लगी है और एक ब्रांच ये लगी है, दो ब्रांच हो गई। इस वाले एल्कोहल में इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इस कार्बन पे तीन ब्रांच लगी हैं, तो तीन आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा ब्रांच इसमें है। तो आपने कहा था कि ये सारे अल्कोहल आइसोमेरिक हैं, तो आइसोमेरिक अल्कोहल में जिस अल्कोहल के अंदर ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होगी वो सोलेबल सबसे ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होगी या कम होगी वो कम सोलेबल होगा या लेस सोलेबल होगा। तो आंसर क्या हुआ? तो सर आंसर ये होगा, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड लेते हैं बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड बॉइल करता है। इंक्रीज इन कार्बन चेन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट बाय 18-20 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू इंक्रीज इन वैंडरवॉल फोर्सेस। बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी एल्कोहल में एक कार्बन बढ़ता है तो ऐसा देखा गया है कि उस एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले एल्कोहल से 18-20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बन का नंबर बढ़ने से एल्कोहल में वैंडरवॉल फोर्सेस बढ़ जाता है। अब यहाँ पे चार एग्जाम्पल लिए हुए हैं बच्चों, ये चारों वही एग्जाम्पल हैं जो हमने सोलेबिलिटी में डिस्कस किया था। आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है और इसमें चार कार्बन है। तो आप ही बताइए कि किसके अंदर वैंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा। वैंडरवॉल फोर्स उस एल्कोहल में ज्यादा होगा जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है। किसमें चेन लंबी है जिसमें कार्बन ज्यादा है, यानी चौथा सबसे ज्यादा कार्बन वाला, सबसे लंबी कार्बन चेन वाला एल्कोहल है और पहला एल्कोहल सबसे छोटी कार्बन चेन वाला एल्कोहल है। तो आप बताइए किसके अंदर वैंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है चौथे में, और इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। इन आइसोमेरिक एल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। बच्चों ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा ऊपर जो डिस्कस किया था इन सोलेबिलिटी इन आइसोमेरिक एल्कोहल, बिल्कुल उसका उल्टा है। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, क्या होता है सर एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमने चार वही एग्जाम्पल लिए हैं जो ऊपर डिस्कस किए थे, आप देख पा रहे हैं। इन चारों एल्कोहल में आप बताइए कि इनको क्या बोलेंगे सर, ये आइसोमेरिक एल्कोहल है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग इस एल्कोहल में है और सबसे कम ब्रांचिंग इस एल्कोहल में है, लेकिन ये आइसोमेरिक का केस है। तो आइसोमेरिक एल्कोहल में वो एल्कोहल जिसमें ब्रांच नहीं होती है या छोटी होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो क्या ये आपको क्लियर है? और इसमें ब्रांच सबसे ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, लेकिन ये केवल आइसोमेरिक में होता है, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं एसिडिटी। बच्चों एसिडिटी को हिंदी में अम्लता बोलते हैं। जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड H प्लस या H आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में तो वो कंपाउंड कहलाता है हमारा एसिडिक।
यहाँ पे हमने अल्कोहल लिया हुआ है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ऑक्सीजन जो होगा वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने आप ले लेगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा H पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहे हैं, H पॉजिटिव को प्रोटोन बोलते हैं, और जो ये RO- या यहाँ पे कार्बन जो लगा हुआ CH3O-, यानी जब भी कोई अल्कोहल एच प्लस बाहर निकालेगा तो जो एनायन बनेगा वो कहलाएगा एल्कोक्साइड आयन, बच्चों को ध्यान रखिएगा। और एल्कोहल चूंकि एच प्लस निकाल देता है, इसलिए ये नेचर कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, बच्चों दो या तीन आपको कंपाउंड देगा और बोलेगा कि इनको अरेंज करिए एज पर देयर एसिडिटी, तो आपको वहां पर ये पॉइंट ध्यान रखना है। आप देखिए यहाँ पे ये चार अल्कोहल बनाए हुए हैं, यहाँ पे R लगाया हुआ है, R जो होता है बच्चों वो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कार्बन कंसिडर कर सकते हैं, R मीन्स कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो पहले वाला जो एग्जांपल है मिथेनॉल का है, आप देख पा रहे हैं कि मिथेनॉल में केवल एक कार्बन है, दूसरे वाले में दो कार्बन हो गए, तीसरे वाले में तीन कार्बन हो गए, चौथे वाले में चार कार्बन हो गए, तो आंसर क्या हुआ कि सर वो अल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर कम होगा वो मोर एसिडिक होगा, लेकिन वो अल्कोहल जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होगा वो लीस्ट या सबसे कम एसिडिक होगा। तो बच्चों ये हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इनको आप देखिए सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।